शेखपुरा प्रखंड के ही किसान भवन में पंचायती राज पदाधिकारी पंचायत समिति के साथ बैठक की। शेखपुरा जिला के सदर प्रखंड किसान भवन में पंचायती राज पदाधिकारी तनुजा पाठक के द्वारा पंचायत समिति मुखिया व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कई योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शिता के प्रति सभी माननीय सदस्यों को हस्तगत कराया गया। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी शौर्क कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 15 वित्तीय आयोग के अनुदान मद की राशि से वित्तीय वर्ष 2022 में ट्रेड यूनाइटेड के तहत कुल 18 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उनके द्वारा यदि बताया गया कि वित्तीय आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में टाइड व अनटाइड मद से क्रियान्वित किए जाने वाली योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सभी सदस्यों को बताया गया 15 वित्तीय आयोग में टाइट मदर 30% से स्वच्छता गली नाली समुदाय शौचालय सोखता व VPU इत्यादि संबंधी योजनाओं में करना है व 30% राशि में पेयजल के लिए तालाब पोखर का वर्षा जल संरक्षण आदि संबंधी योजनाओं किया जाएगा। अनटाइप्ड मध्य के 40% की राशि 73वीं संविधान संबोधन की 11वीं अनुसूची के 19 विषय के तहत पुस्तकालय सौदा भवन निर्माण इत्यादि संबंधी योजना भी लिया जाएगा। कैथवा पंचायत के मुखिया योगेंद्र पासवान के द्वारा बताया गया कि पूर्व पोर्टल पर योजना एंट्री अनुमानित मानित राशि डालकर कराया जाता था, परंतु अब कहा जा रहा है कि जितनी राशि का योजना एंट्री उतना ही राशि का आयोजन खुलेगा। इस योजना खुलने में कठिनाई हो रही संबंध में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस बार योजना एंट्री कराने के पूर्व तकनीकी सहायता से प्राकलन तैयार कराने के उपरांत ही योजना एंट्री कराया गया है। वहीं पंचायत समिति सदस्यों द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड बनवाने हेतु RTPS काउंटर पर पैसा मांगा जाता है। इस संबंध में प्रमुख अंचलाधिकारी के नियंत्रणाधीन में आता है और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा राशन कार्ड बनाने हैं तो ऑनलाइन पोर्टल के बारे में बताया गया, जिसमें आवेदक व राशन कार्ड बनाने अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। राशन कार्ड बनने के बाद आवेदक को मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से सूचना प्राप्त कर दी जाती है। वहीं सभी विषयों पर चर्चा करने के बाद पंचायती राज पदाधिकारी सहकार्यपालक पदाधिकारी तनुजा पाठक के द्वारा बताया गया कि शाखा प्रबंधक अग्रणीय बैंक शेखपुरा द्वारा अपने विभाग के द्वारा भी संबंधित सामाजिक सुरक्षा स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। शाखा प्रबंधक अग्रणीय बैंक शेखपुरा द्वारा अटल पेंशन योजना के बारे में भी बताया गया कि इस योजना के तहत 18 से 40 साल का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके तहत 60 साल आयु के बाद लाभुकों को जब तक जीवित है तब तक पेंशन मिलता रहेगा। इस बैठक में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी तनुजा पाठक के साथ साथ अध्यक्षा प्रमुख पंचायत समिति शेखपुरा व अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। संतोष कुमार रंजना, स्टेट हेड की खास रिपोर्ट। आज जो पंचायत समिति की बैठक रखी गई है वो पंचायत समिति सदस्यों को SDG गोल्स के बारे में बताने के लिए है, ताकि जो हम BPDP बना सके वो थीमेटिक बना सके और उनको बता सके कि हमारे पास किस तरह के फंड उपलब्ध हैं, किस तरह के फंड में किस तरह की योजनाएं लेनी है। जैसे जो हमारा सेंट्रल से जो पैसा आता है भारत सरकार से, उसमें टाइड और अनटाइड दो तरह के मद होते हैं, तो ज़्यादातर जनप्रतिनिधि इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमको टाइड में किस तरह की योजनाएं लेनी है, अनटाइड में किस तरह की योजनाएं लेनी है। तो मुख्य रूप से आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि किस तरह की योजनाएं लेनी है, किस पे हमको अगले एक साल तक काम करना है, इस पे मुख्य रूप से चर्चा होनी है। ये ट्रेनिंग नहीं है, एक तरह की बैठक है जो पंचायत समिति सदस्य इस पर विचार करेंगे कि हमें अगले वर्ष के लिए किस तरह की योजनाएं लेनी है, किस किस विषय पे काम करना है। इससे आम पब्लिक को बेनिफिट क्या होगा मैडम?
आम पब्लिक को ये बेनिफिट होगा कि जो हम लोग योजनाएं करते हैं वो समिति सदस्य अपने क्षेत्र में करते हैं, तो मुख्य रूप से हम लोग जैसे पेयजल से संबंधित योजनाएं लेते हैं। अब से एक पूरा जो है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जलस्तर यहाँ काफ़ी नीचे है, तो अगर हम लोग पेयजल से संबंधित योजनाएं लेते हैं तो जो आम जनता है उसको पीने के पानी की सुविधा होगी। इसके अलावा अगर हम लोग तालाब रिस्टोर करने का काम करते हैं तो उससे भूमिगत जल स्तर ऊपर आएगा। इस तरह से अगर हम लोग नाली गली वगैरह बनवाते हैं तो साफ़ सफाई होती है, लोगों को आने जाने में सुविधा होती है। तो कई तरह के फंड है जिस पे हम लोग को काम करना है। एक देखिए इसमें है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी है, तो ये ग्रामीण जनता को साफ सफाई के तरफ ले जाने के लिए और स्वच्छता से संबंधित भी ये काम है। तो सारा फायदा तो जनता के लिए ही है, हम लोग काम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। चाय पी लीजिए। आप नहीं, हमने